Hello everyone, I hope you all are well and good. So now we are here to start chapter number 5, learning Photoshop CS6. Photoshop ke baare mein beta aapko pata na ji, what is Photoshop? You see many photographs in magazines, newspaper and even in albums. Kehte hain hum bahut sari photographs dekhte hain newspaper magazine mein. These photographs are sometimes enhanced with the help of image editing software. कहते हैं इन सॉफ्टवेयर की कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं जो उनको इम्प्रूव किया जाता है, एनहांस किया जाता है उनकी क्वालिटी को यूजिंग सम इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर. उसी तरह से अडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जैसे कि वेब डिजाइनर, एनिमेटर, फोटोग्राफर एंड एमेच्योर्स. तो ये है फोटोज को एडिट करने का सॉफ्टवेयर जिसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे. उसमें क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्स्टली स्टार्टिंग अडोब फोटोशॉप. अडोब कंपनी ने बनाया है इसीलिए इसके आगे अडोब लगता है. स्टार्ट कैसे होता है, जो उसकी विंडो ओपन होती है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो किस लिए होते हैं, पैनल्स कौन कौन से शो होते हैं, इमेज को क्रिएट करना, इंसर्ट करना, ओपन करना ये सीखेंगे. फिर उसको सेव एंड क्लोज करना फाइल को, सिलेक्शन टूल्स को यूज करना, मूव क्रॉप एंड स्लाइस टूल्स कैसे यूज होते हैं और कुछ पेंटिंग टूल्स कैसे यूज होते हैं, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अडोब फोटोशॉप इज एन इमेज और ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर. इमेज को ग्राफिक्स को एडिट करने का सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज टू एडिट और एनहांस द इमेजेस फॉर प्रिंट एज वेल एज फॉर वेबसाइट. जो इमेजेस को एडिट करता है और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. इट हैज वेरियस टूल्स. इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, शेप्स को ड्रॉ करना, कलर करना, इमेजेस को एडिट करना. तो इसके फीचर्स क्या है बेटा? फोटोशॉप CS6 इसका वर्जन बताया गया है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. इजिली हम इसको यूज कर सकते हैं, हमें इसको यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आती अगर हम इसकी गाइडेंस अच्छे से लेंगे तो. न्यू एंड पावरफुल फोटो एडिटिंग टूल. नए टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इसमें, जैसे कंटेंट अवेयर मूव टू, जब हम टूल्स पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे. रिमूव ब्लेमिशेस एंड स्पॉट्स. जैसे फोटो के ऊपर कोई स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लेमिशिंग आ जाती है, सही नहीं आती, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है. अलाउ यू टू मिक्स टू और मोर इमेजेस ऑन वन स्क्रीन. एक स्क्रीन में टू और मोर इमेजेस को मिक्स करके आप फोटो को एडिट कर सकते हैं. सो इंफॉर्मेशन बॉक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. Photoshop is developed and published by Adobe Systems. किसने बनाया है? Adobe Systems ने. First कब रिलीज हुआ था? 19 February 1990. That is must to learn. Now start Adobe Photoshop. Photoshop start कैसे होता है? Everyone knows जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना होता है आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो. स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, Adobe मास्टर कलेक्शन एंड उसमें आएगा Adobe Photoshop. Adobe मास्टर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं पर हमको कौन सा यूज करना है? फोटोशॉप. जब आप फोटोशॉप पे क्लिक करोगे, देखो ये पहले स्टार्ट पे क्लिक किया, ये ऐसा बटन है, ऑल प्रोग्राम आएगा, ऑल प्रोग्राम के बाद ये आएगा Adobe मास्टर, उसके अंदर आपका फोटोशॉप आएगा. जब फोटोशॉप पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की विंडो शो हो जाएगी. लेट अस स्टार्ट, हम भी देखते हैं. देखो मेरे कंप्यूटर में जो विंडो है उसमें स्टार्ट इस तरह से शो होता है, बट हमें तो सॉफ्टवेयर खोलने से मतलब है. यहाँ पे Adobe Photoshop 7 है मेरे पास जिसको मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ. स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे. तो ये फोटोशॉप अब यहाँ पे ओपन होगा जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स एंड मेन्यूज यहाँ पे शो होते हैं. Adobe Photoshop यहाँ पे ओपन हो रहा है जिसमें हमारे पास ऊपर आपका जो टाइटल आता है फोटोशॉप किस तरह से वर्क करेगा, उसमें टूल बॉक्स आता है जिसमें टूल्स होते हैं सारे, लेयर बॉक्स होता है जिसमें लेयर्स होते हैं और कलर बॉक्स होता है जिसमें कलर्स होते हैं. सो ये आपका बेटा फोटोशॉप हो गया ओपन. सबसे पहले हम आगे रीड करेंगे. अब ये आपका पैनल ओपन हो गया. थोड़ा सा वर्जन डिफरेंट है मेरे पास, दैट्स व्हाई आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है उसमें, इसमें ब्लैक स्क्रीन है. तो सबसे ऊपर जो ये होता है बेटा फाइल एडिट इमेज, इसको बोलते हैं मेन्यू बार. उसके नीचे ये जो होता है ऑप्शन बार एंड दिस इज जो लेफ्ट साइड पे होता है टूल पैनल या टूल बॉक्स. सबसे नीचे वाली जहाँ पे हमें स्टेटस आता है उसको कहते हैं स्टेटस बार. इमेज विंडो जहाँ पे आपको काम करना है एंड दीज ऑल आर द पैनल्स. कलर पैनल होता है, हिस्ट्री पैनल होता है, स्वेचेस पैनल होता है, अलग अलग तरह के पैनल्स होते हैं.
इन कंपोनेंट्स को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कौन सा किसके लिए काम आता है। फर्स्ट इज मेन्यू बार, सबसे टॉप में होता है, आपने देखा ये मेन्यू बार, इसमें हर एक मेन्यू होता है जहां से आप कमांड्स को चूज करते हो। और उसके बिल्कुल राइट साइड पे तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज और रीस्टोर करना, देन क्लोज करना। ये यहीं पे यही लिखा हुआ है, राइट साइड पे थ्री बटन होते हैं। ऑप्शन बार मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे होती है, इट रिफ्लेक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन फॉर द स्पेसिफिक टूल सिलेक्टेड इन द टूल्स पैनल। ये देखो ये टूल्स पैनल है बेटा, इस टूल्स पैनल में से जो भी आप टूल सिलेक्ट करते हो उस टूल के रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन बार में शो होते हैं, वो आपके टूल पे सिलेक्ट करने के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका अदर नेम है एट्रीब्यूट पैनल और कंट्रोल पैनल। इमेज विंडो, ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे आप इमेज इंसर्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। इमेज जब इंसर्ट करते हो उसमें भी टू बार्स आती हैं, इमेज का टाइटल आता है, इमेज का नेम, इमेज का स्टेटस आता है मतलब इमेज की साइज, उसकी मैग्निफिकेशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास देखो यहाँ पे मैं आपको पैनल्स दिखा सारे दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखो ये फाइल एडिट इमेज, ये क्या है आपके पास मेन्यू बार। इसके नीचे ये आपके पास आ गया ऑप्शन बार, दिस इज टूल्स पैनल या टूल बॉक्स, एंड ये आपको अभी मैं करवा रही हूँ ये पैनल्स है, लेयर्स पैनल है, कलर्स पैनल है, स्वेचेस पैनल है, स्टाइल्स पैनल है, हिस्ट्री पैनल है, जिसमें आप आगे पढ़ोगे। पैनल्स क्या होता है, पैनल इज ऑल्सो नॉन एज अ पैलेट, जिसपे ऊपर आप फोटो को एडिट करना है वो सारे वर्क इसमें होते हैं। दीज पैनल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग डायलॉग बॉक्सेस सिंस दे कैन बी रीलोकेटेड एनीवेयर। फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको स्क्रीन के किसी भी एरिया में आप लोकेट कर सकते हो। लोकेट कैसे करोगे, पैनल के टॉप पे क्लिक करो, देन उसको ड्रैग करके किसी भी लोकेशन में कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैनल्स कौन से हैं, कलर पैनल, जिसके थ्रू से आप अपना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो इमेज का। स्वेचेस पैनल, जो मोस्टली कलर्स फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, बार बार आप इसको यूज करते हो, वो स्टोर कर लेता है स्वेचेस पैनल, उसमें से आप कलर्स को ऐड और डिलीट कर सकते हो। हिस्ट्री पैनल आपके डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री को सेव करके रखता है, जैसे सपोज आपने प्रीवियसली कुछ चेंजेस की थी, दोबारा फिर चेंजेस कर दी, बट आपको दोबारा से पहले वाली चेंजेस चाहिए तो आप उस चेंजेस को अंडू कर सकते हो। लेयर्स पैनल, इमेज पे जो भी आप इफेक्ट्स डाल रहे हो वो सारा लेयर्स में शो होता है। टूल्स पैनल, जिसमें आप वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, सपोज आपने कुछ ड्रॉ करना है, एडिट करना है, कोई इफेक्ट देना है, वो सारा टूल्स पैनल में आएगा। सो हियर ये आपको बताया गया, देखो बेटा सारे टूल्स दिखाए गए हैं, टूल बॉक्स है ये आपका टूल्स पैनल, टूल्स के नेम है, आपको अच्छे से अपनी बुक में से ये टूल्स के नेम सारे पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको फोटोशॉप में दिखाती हूँ, ये सारे टूल्स जहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे ये टूल्स का नेम आता है यहाँ पे, तो आप अच्छे से देख सकते हो। ये जो मैंने अभी पैनल करवाए थे, देखो लेयर्स पैनल, कलर्स का पैनल, देखो कलर शो हो रहे हैं, स्वेचेस जैसा आपकी बुक में है उसी तरह से देखो स्वेचेस, स्टाइल्स, ये हिस्ट्री पैनल जिसमें आप हिस्ट्री स्टोर करते हो जो भी आप काम करके हटे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन बॉक्स है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन बॉक्स में बोला गया है जब पैनल्स कलेक्ट होते हैं उनको बोला जाता है डॉक, जब कलेक्शन ऑफ पैनल्स शो होता है उसको डॉक कहते हैं। किसी भी पैनल को इन और आउट करना डॉक में से, उसको इन को बोला जाता है डॉक करना, अगर किसी को बाहर निकाला जाता है उसको कहते हैं अनडॉक करना। कोलैप्सिंग अ पैनल रेफर्स टू श्रिंकिंग अ पैनल, मतलब जो आप पैनल यहाँ पे दिखा रहे हैं, दीज ऑल आर द पैनल्स, इन पैनल्स को अगर आप कोलैप्स श्रिंक करना चाहते हो छोटा, तो आप क्या करोगे, देखो ये टूल बॉक्स है, इस पे जो डबल एरो आ रहा है ये, इस डबल एरो पे डबल क्लिक करो तो ये आपका पैनल श्रिंक हो जाएगा, डबल क्लिक दोबारा फिर डबल क्लिक करोगे तो वो आपका जो है पैनल आपका वो हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वो दोबारा से उसी साइज में आ जाएगा जब आप एक्सपैंड हो जाएगा डबल क्लिक आप करते हो। तो ये बेटा आपका होमवर्क है, इन टॉपिक्स को आपको घर पे दोबारा से पढ़ना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समझना चाहते हो फोटोशॉप होता क्या है, उसमें पैनल्स कौन कौन से हैं, उनके नेम याद करोगे, होप सो कंपोनेंट्स एंड टूल्स भी आप अपने अच्छे से लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई आप कमेंट कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।